अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो है गुलाब की एयर लेयरिंग के ऊपर। ये मैंने की हुई एयर लेयरिंग की हुई थी, पहले भी की थी बल्कि काफ़ी सारे मैंने की है। तो एक आज मैंने काटा था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर देता हूँ। ये तो मैं करने वाला हूँ ताज़ा, तो मैंने आप एक पहले मैंने काटा हुआ है, वो भी मैं आपकी वीडियो दिखा देता हूँ। है बड़ा आसान काम और बड़े पैदे का काम है। अगर आप लोग को ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जिन दोस्तों को नहीं पता तो उनको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े फ़ायदे। अगर आप घर में एक या दो गुलाब के फूल लगी हो या कोई और भी दरख्त जो भी पौधा भी यहाँ पे लगा हुआ ना, तो आप उसकी एयर लेयरिंग कर सकते हो। इसके लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये ऐसे काटना पड़ता है, थोड़ा सा सफाई करनी पड़ती है। सही सी सफाई ज़रा आप लोग सही किया करें, क्योंकि जितनी सफाई करेंगे ना उतनी ज़बरदस्त लगेगा। ये भी इसकी मैं सफाई करने वाला हूँ ज़रा ज़्यादा, क्योंकि ये है थोड़ा सा मोटा, थोड़ा मोटा हो तो उसकी थोड़ी सफाई ज़्यादा किया करें ना, फिर जो है ना उसकी जड़ें जो है ना सही निकलती। ये भी मैं इसकी सफाई करने वाला हूँ। इसमें ज़रा ये कांटों से जान बचाया करें, कि मेरे तो सारे हाथ इन कांटों ने काटे, सही सही कांटे मुझे लगे थे मेरे हाथ पे, आप लोगों को निशान नज़र आ रहे होंगे। मैं ये बहुत नज़दीक जितनी भी लगी हुई ने, ये शाखें बहुत नज़दीकी लगी हुई हैं। तो एक साइड से तो मैंने हटा लिए कांटे जो थे वो तो मैंने हटा लिए थे, एक साइड पे जो ना अभी भी हैं तो उसके साथ बार बार हाथ लग जाते हैं, तो वो हाथ ज़ख्मी होने का ज़्यादातर चांस उसी के साथ होते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें पहले उसको सही साफ कर लिया करें, उसके बाद उसको ना काट लिया करें और साफ ज़रा सही किया करें, ताकि जो सफेदी ना बिल्कुल नज़र आए। ये इसमें मैंने खाली मिट्टी डाली हुई थी, आम मिट्टी, और थोड़ा सा इसमें मैंने वो जो देसी खाद होते हैं वो डाला था। जो इससे पहले मैंने किए थे उसमें सिर्फ मैंने वो रेत वाली मिट्टी डाली थी, आम मिट्टी थी और थी। यहाँ ये लगातार रेत क्या ना, यहाँ पे रेत ही होते हैं, इसमें मिट्टी और रेत और जो देसी खाद है वो मिक्स है, तीनों चीज़ें मिक्स है इसमें। इसके लिए और कुछ भी नहीं चाहिए, एक तो आपको सब्र करना पड़ेगा, बेसब्री नहीं करनी पड़ेगी। अब निकलेगा। मुझे भी ऐसे ही हुआ था, मैंने बहुत बेसब्री की थी। मैंने लगाया तकरीबन 20 दिन पहले, तो मुझे शक था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने वो अभी काटा हुआ है, मैं वो दिखा देता हूँ इसके बाद। तो होता लाजमी है, लेकिन अगर आप लोग सही लगाए, ज़रा आप लोग सही लगाए किया करें ना, क्योंकि वो जो जहाँ पे आपने साफ किया ना वो जगह था कि इसकी शापर के बीच में आ जाए। शापर आम से कोई भी ले ले, इसके ऊपर आपने एक और शापर भी चढ़ा देना है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, मैं भी इसके ऊपर एक और शापर चढ़ाऊँगा, ताकि इसके अंदर हवा ना जाए, हवा इसके ऊपर ना बंद होनी चाहिए, ताकि जो मिट्टी है ये गीली रहे आखिर तक, जब तक ये जड़े निकलेंगे ना तब तक ये जो मिट्टी है ना ये गीली रहे, मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए। मिट्टी सूख गई तो फिर इसका मतलब ये होगा नहीं, मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए जब तक इसकी जड़ें ना निकले। जड़े निकले उसके ऊपर तो फिर लगाना पड़ता है फिर, तो अगर जड़े वो मिट्टी सूख भी गई तो मसला कोई नहीं। ये पहला शापर लग गया, अभी इसके ऊपर हमने कि और शापर चढ़ा देना, ताकि इसके अंदर हवा न जाए। ये वाला शापर, एक और शापर ऐसे लगा दें, आम सा कोई भी शापर हो, शापर कोई भी हो चलेगा, आम सा शापर भी चलेगा। इधर मैंने एक आम सा शापर लिए हुए बाहर से, वही चढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर, और इसको आपने सही पैक कर देना, बिल्कुल सील बंद कर देना इसका, जो वो इसमें हवा ना आए, हवा ना घुसे, एयर इसके अंदर ना जाए। टाइट बांध देना नीचे से भी ऊपर से भी। ये भी मैं काटूंगा, ये वाला, ये इससे पहले मैंने लगाया था। ये सिर्फ वो जो पहली वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई, सिर्फ इसलिए दिखाई दी ताकि आप लोगों को समझ आए कि इसको कैसे लगाते हैं। इसको मैं काटूंगा, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जल्दी की थी, मैंने पता नहीं शायद हुआ भी कि नहीं हुआ है, इसलिए मैंने काटा था, लेकिन ये हुआ है, इसको मैं लगाता भी हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लिए करना, जड़े देखें यहाँ से शापर रहने, ठीक है ना, इसमें भी कुछ नज़र नहीं आएगा, शापर मैं हटाता हूँ, देखें। ये जो मेरे हाथ के ऊपर आप लोगों को ज़ख्म नज़र आ रहे हैं, ये सब इसी की हैं, इन्हीं पौधों की हैं। यहाँ पे नींबू मैंने लगाए हुए थे, वो नींबू की भी हैं, क्योंकि मैं नींबू का काटते रहता हूँ तो उसके अंदर कांटे होते हैं, तो कांटे लग जाते हैं। अभी ये आपने अभी जब ये आप लगाओगे ना, शापर के साथ लगाओगे, ठीक है ना, शापर में थोड़े से वो कर लेना, छेद कर लेना, काट लेना शापर, उसी के साथ शापर के साथ लगाओ, क्योंकि आजकल सर्दियों के मौसम है ना, तो वैसे वो ये हो सकता है कि ना लगे, शापर के साथ इंशाल्लाह इसका ज़्यादा चांस होता है लगने का।
मैंने शापर के साथ ही लगाए हुए, मैंने सिर्फ शापर को काटा है। अभी आपको वो जड़ें नज़र आ रहे होंगे, वो जो साइड सामने ये नीचे से नहीं ऊपर से हुई, ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं दिखा देता हूँ नज़दीक करके, जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाले आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये लग गए। अब ये नीचे वाले आप बेशक आप काटना चाहते तो काटो, नहीं काटना चाहते ऐसे लगा ले, कुछ भी नहीं होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जड़ें। लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने थोड़ी सी जल्दी कर ली, मैंने कहा चलो इसको निकालते, पता नहीं होता भी कि नहीं होता है, लेकिन ये माशाल्लाह हो गया। एक मैंने इसे पहले भी काटा हुआ है, वो भी मैंने लगाया हुआ है, वो भी उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा, जब ये मैं लगा लूँगा ना मैं आपको दिखा दूँगा। इसको भी मैंने धो लिया पानी के साथ, नीचे से देखा ना, नीचे से कुछ भी नहीं है, जड़े यहाँ से ऊपर सूख गए। लगा लिया करे यार, फ़ायदे का काम है, देखें ना, अगर आप 400-500 का वो ले आते पौधा ले आते हो, ठीक है ना, तो उसमें अगर 3-4 आप लगा लेंगे तो 400-500 आपके बच जाते हैं, आप जितनी मर्ज़ी से बढ़ा ले। एक तो वो लोग कलमे लगाते, लेकिन कलम कोई भरोसा नहीं थे, कभी होते कभी नहीं होते। मैंने भी कलम लगाई हुई है, अभी मैंने 3 लगाई हुई है, एक दो ऐसे लगाए और एक कलम लगाई हुई, वो उसकी मैं अगर वीडियो आपको बना के दे दूँगा, अगर वो लग गए तो मैं आपको वीडियो बना के दूँगा, लेकिन कलम थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके तो अभी जड़ें निकली हुई है ना, निकलने वाली है, वो देखें ना आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा, ये आराम से लग जाएंगे। अभी इसके ऊपर मैंने वही शापर, जो शापर जिस शापर से मैंने निकाला हुआ था ना, उसी शापर के अंदर मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसको पानी लगाया। अभी मैं शापर को काटूंगा, देखना ये शापर ऐसे ही शापर के साथ ही लगा ले, शापर काट ले ताकि इसकी जड़ें जो है ना वो निकले आराम से। वैसे मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई, मैंने इसकी अब आम की भी की हुई, एरिलेरिंग की हुई, माल्टे की भी की हुई, नींबू की भी की हुई, लोकाट की भी की हुई, काफ़ी सारे दरख्तों की मैंने की हुई। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वो होंगे निकलेंगे ना सही सही जड़े, तो मैं सबकी वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करके दे देता हूँ। अभी छोटा सा मैंने कटा किया, लेकिन आप गहरा कटा किया कर लेंगे, कि आजकल सर्दी है ना तो उसको ना ठंड नहीं लगेगी, ना ये लगेगी सही, अगर आपने ऊपर लगा लिया तो ठंड की वजह से ना ये सूख जाएगी। ये मिट्टी के लिए इसके साथ मैंने एक और लगाई हुआ है, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ, इसकी मैंने वीडियो बना दी थी। ऐसे जगह पे लगा लिया करें ताकि थोड़ा थोड़ा इसको धूप ही लगे ना, ज़्यादा धूप तो वैसे भी आजकल नहीं होता, सर्दी में धूप तो होती नहीं, गर्मी में ये होता है ना कि पानी का मसला होता है। अभी ये इलाका रेत का है ना, यहाँ पे पानी जल्दी सूख जाते हैं, ये ऊपर से थोड़ी सी ऐसे होना तो उसको काट लिया करें। ये अभी जो मैंने लगाए हुए वही वो वाला होता है, अभी दूसरा मैं दिखा देता हूँ, जो साथ इसके साथ मैंने लगाए हुए थे ना एक पहले, वो छोटा सा पौधा है, वो नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ना ये निकली हुई है, निकाली हुई टहनी छोटे छोटे। ये वो साथ लगे हुए, ठीक है ना, वो छोटे वाला जो नज़र आ रहा होगा ना, ये वाला, ये इसे पहले मैंने लगाया था। अभी मेरे पास जो गुलाब का फूल लगे हुए है ना, बड़े वाला पौधा जो है ना, वो बड़े वाला है, ठीक है ना, तो उसके अंदर मैंने 10 और लगाई हुई है ऐसे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।